वजीर आजम मोहम्मद खान जिन्हें जो सारिया उजड़ी कैंप पर दो जनरलों का सर मांग रहे थे, सेक्टरी दिफा के जरिए यह पैगाम जनरल जियाउल हक को भेजा गया, मगर वो कौन सा वाकया था जो ऊंट की कमर पर आखिरी तिनका साबित हुआ और जनरल जियाउल हक ने अपने ही चुनिंदा वजीर आजम को घर भेजने का फैसला कर लिया। जनरल जियाउल हक का त्यारा तबाह होने के बाद लाशों का पोस्टमार्टम क्यों ना होने दिया गया और किसने तहकीकात में रुकावट डाली। जनरल असलम बेग मिर्जा जो बादशाहगर बन गए, उन्होंने कहा कि वो बेनजीर भुट्टो को किसी सूरत वजीर आजम कबूल नहीं करेंगे, मगर फिर उन्हें घुटने क्यों टेकना पड़े। बेनजीर भुट्टो कोशिश के बावजूद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी एडमिरल इफ्तिखार अहमद सरोही को क्यों ना हटा सके और उन्होंने अपनी खुदनविश्त ट्रुथ नेवर रिटायर्स में और क्या इंकशाफात किए, आज हम यही मालूम करने की कोशिश करेंगे। तराजू की सीरीज किताब कहानी की नई किस्त के साथ मैं हूं बिलाल होरी और आप देख रहे हैं तराजू। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद खान जुने जो अफगानिस्तान से रूसी फौजों के इनखला से मुतालिक जिनेवा मुआहदे पर दस्तखत करने जा रहे थे और जनरल जियाउल हक बास तरामीम के बगैर इस मुआहदे पर दस्तखत करने के हक में नहीं थे। एडमिरल इफ्तिखार सरोही ने अपनी खुदनविश्त ट्रुथ नेवर रिटायर्स के सफर नंबर 332 और 333 पर लिखा है कि 14 मार्च 1988 को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ और तीनों सर्विसेज चीफ्स ने वजीर आजम से मुलाकात की। रुख्सत होने से पहले चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने वजीर आजम को धमकी आमेज अंदाज में कहा कि अगर अफगानिस्तान से मुतल्लिका मुआहदे पर सेफ गार्ड्स यानी जनरल जियाउल हक की तजवीज करदा तरामीम के बगैर दस्तखत किए गए तो इससे पैदा होने वाले नतायज का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो ने सियासी जमातों की हिमायत हासिल करने के लिए आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई और जनरल जियाउल हक के वाज़े तहफ़ुज़ात के बावजूद 14 अप्रैल 1988 को जिनेवा मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, मगर इससे 4 दिन पहले पाकिस्तान में एक ऐसा धमाका हुआ जिससे इक्तदार के ऐवानों में भौंचाल आ गया। 10 अप्रैल 1988 को उजड़ी कैंप में आईएसआई का अफगान जहाद के लिए बनाया गया ट्रेनिंग कैंप और असला खाना तबाह हो गया। इस वाकया की तहकीकात के लिए 2 कमेटियां बनाई गई। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल इमरानुल्लाह की सरबराही में फौज ने तहकीकात की, जबकि वफाकी वजीर असलम खटक की सरबराही में पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद खान जुनेजो इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के ख्वाहां थे, जबकि जनरल जियाउल हक इस मामले को दबाना चाहते थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद खान जुनेजो को दिफाई पोजीशन में लाने के लिए ये भी कहा गया कि अगर जिम्मेदारी का तयन करना है तो फिर खुद मोहम्मद खान जुनेजो जिम्मेदार हैं, क्योंकि वजीर दिफा की हैसियत से ये सब उनकी नाक के नीचे हो रहा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद खान जुनेजो ओजड़ी कैंप धमाके पर पीछे हटने को तैयार ना थे। एडमिरल इफ्तिखार सरोही अपनी सवाने हयात ट्रुथ नेवर रिटायर्स के सफर नंबर 334 पर लिखते हैं कि सदर जियाउल हक के पावर बेस यानी फौज को ओजड़ी कैंप का जिम्मेदार करार दे दिया गया और वज़ीर-ए-आज़म इस हवाले से 2 जनरलों का सर मांगते थे। साबिक DGISI जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान और मौजूदा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल हमीद को सेक्टरी दिफा को इस मुतालबे के साथ सदर जियाउल हक के पास भेजा गया। वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो ने जनरल जियाउल हक से फौजी वर्दी उतारने का मुतालबा भी किया और उन्हें एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया। सदर जियाउल हक का मुआवजा किए जाने की अफवाहें भी जेर गर्दिश थी, मगर एडमिरल इफ्तिखार अहमद सरोही के मुताबिक फौजी अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मामला ऊंट की कमर पर आखिरी तिनका साबित हुआ। रावलपिंडी के इलाका चोर हरपल में एक MPA और उसके हिमायतियों का पाकिस्तान आर्मी के जूनियर अफसरों के साथ झगड़ा हो गया। फौजी अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, मगर जब MPA के खिलाफ FIR कटवाने की कोशिश की गई तो पुलिस ने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया।
जनरल जियाउल हक ने 30 मई को चीन के दौरे पर जाना था और नेवल चीफ एडमिरल इफ्तखार अहमद सरूही भी उनके वफद में शामिल थे। चीन जाने से एक दिन पहले 29 मई को सदर जनरल जियाउल हक ने कौमी असेंबली तहलील करके वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो को घर भेज दिया। एडमिरल इफ्तखार अहमद सरोही ने 16 अगस्त 1988 को अमेरिका रवाना होने से पहले जनरल जियाउल हक से मुलाकात की और बहरी जंगी जहाज खरीदने के लिए $275 मिलियन के फंड जारी करने से मुतालिक बात की। जनरल जियाउल हक ने शेड्यूल के मुताबिक $186 मिलियन पहले और बाकी $89 मिलियन दूसरे साल जारी करने की मंजूरी दे दी। 17 अगस्त 1988 की सुबह एडमिरल इफ्तखार अहमद सरोही कराची से बरास्ता सिंगापुर हांगकांग पहुंच गए ताकि जनूबी कोरिया का दौरा करने के बाद अमेरिका पहुंच सके। हांगकांग में एडमिरल इफ्तखार अहमद सरोही को जनरल जियाउल हक का त्यारा तबाह होने की खबर मिली तो वापस पाकिस्तान रवाना हो गए ताकि 19 अगस्त को जनरल जियाउल हक और जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान की आखिरी रसूमात में शरीक हो सके। जनरल जियाउल हक के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रफाकत और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट कर्नल अजायब हादसे की खबर मिलते ही ऐवान सदर पहुंच गए और तमाम वज़राए आला और गवर्नरों और वफाकी वज़रा को सूरत हाल से आगाह किया। चेयरमैन सेनेट गुलाम इसहाक खान जो आइन के मुताबिक अब सरबराह रियासत थे उन्हें टेलीफोन करके ऐवान सदर पहुंचने को कहा गया। गुलाम इसहाक खान ने कहा कि मेरे पास कोई सवारी नहीं है, कोई गाड़ी भिजवा दे। लेफ्टिनेंट जनरल रफाकत ने कहा कि आप टैक्सी लेकर आ जाएं। उधर जीएचक्यू में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की क्यादत में फौजी क्यादत सर जोड़ कर बैठी थी। लेफ्टिनेंट जनरल रफाकत को भी जीएचक्यू बुलाया गया। वो अपने स्टाफ को ये कहकर निकल गए कि गुलाम इसहाक खान आए तो उन्हें भी जीएचक्यू भिजवा दिया जाए। वहां डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल, एयर चीफ मार्शल हकीमुल्ला खान दुरानी, पाकिस्तान बहरिया के वाइस चीफ और दीगर अस्करी हुक्काम मौजूद थे। सदर गुलाम इसहाक खान भी ऐवान सदर से होते हुए जीएचक्यू पहुंच गए। तय हुआ कि आइन के मुताबिक गुलाम इसहाक खान कायम मकाम सदर का मनसब संभाले। चुनाचे जनरल असलम बेग मिर्जा और दीगर हुकाम सदर गुलाम इसहाक खान के साथ ऐवान सदर पहुंच गए। एडमिरल इफ्तखार सरोही के मुताबिक पीटीवी के बुलेटिन में दानिश्ता तौर पर जनरल जियाउल हक के त्यारा हादसे को तकरीबकारी करार दिया गया मगर तहकीकात के लिए फौरी तौर पर कोई जुडिशियल कमीशन न बनाया गया। वो अपनी खुदनवीश ट्रुथ नेवर रिटायर्स के सफर नंबर 342 पर लिखते हैं कि त्यारा हादसा सोची समझी आलमी साजिश थी जिसे तवील मनसूबाबंदी के बाद मकामी अफराद के जरिए पाए तकमील को पहुंचाया गया। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि तहकीकात नतीजा खेज साबित ना हो सके FBI की टीम को रोका गया, पोस्टमार्टम ना होने दिया गया, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट को दबाया गया तो फिर मुल्क में इस तरह के हालात पैदा कर दिए गए कि इन्वेस्टिगेशन हो ही ना सके। एक वजीरे मुल्कत से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि त्यारा हादसे की वजूहात से मुतल्लिक अल्लाह से ही रजू किया जा सकता है। जनरल जियाउल हक का त्यारा तबाह होने की तहकीकात के लिए पाक फजाइया ने एयर कमोडोर अब्बास मिर्जा के सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी जिसमें ग्रुप कैप्टन जहीर जैदी भी शामिल थे। एडमिरल इफ्तखार अहमद सरोही के मुताबिक ग्रुप कैप्टन जहीर जैदी सबसे पहले जाए हादसा पर पहुंचे और तबाह होने वाले जहाज के कुछ हिस्सों के सैंपल लेकर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भेजे ताकि उनका तजिया किया जा सके। केमिकल एनालिसिस से मालूम हुआ कि त्यारा तबाह करने के लिए धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया है मगर हैरत अंगेज तौर पर इस केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट को हिस्सा ना बनाया गया और ग्रुप कैप्टन जहीर जैदी जिन्होंने ये सैंपल लेकर लेबॉरेटरी भेजे थे उन्हें कोर्ट मार्शल करने की धमकी दी गई। जनरल जियाउल हक के साथ अमरीकी सफीर राफेल और अमरीका के मिलिट्री अताशी जनरल हर्बर्ट एम वसूम भी मारे गए थे। एडमिरल इफ्तखार अहमद सरोही कहते हैं कि जब वो अपनी अहलिया के हमरा अमरीका गए तो उन्होंने मिसेज राफेल से मुलाकात करके ताजियत करना चाहिए मगर अमरीकी हुकाम ने उन्हें मुलाकात की इजाजत ना दी
और मालूम हुआ कि मरने वाले अमरीकी सफीर की बीवी को जानबूझकर तन्हाई में रखा जा रहा है। एडमिरल इफ्तखार सरोही ने एक और अजीबोगरीब बात भी लिखी है। सफर नंबर 342 पर लिखते हैं, एक मीटिंग के दौरान एयर चीफ मार्शल हकीमुल्ला दुरानी ने सदर गुलाम इसहाक खान से दरियाफ्त किया कि किस तरह की रिपोर्ट दरकार है। इससे पहले कि सदर गुलाम इसहाक खान जवाब देते, मैंने उनके सवाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि बस जो भी सच है उसे सामने लाना चाहिए। सदर ने मेरी बात से इत्तफाक किया। जनरल जियाउल हक की मौत से कई लोगों को फायदा पहुंचा। गुलाम इसहाक खान सदर मुमलिकत बन गए। जनरल असलम बेग मिर्जा ने सिपा सालार का मनसब संभाल लिया, जबकि एडमिरल इफ्तखार अहमद सरोही, जिनकी रिटायरमेंट करीब थी, उन्हें चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ बना दिया गया। 27 अगस्त 1988 को कायम मकाम सदर गुलाम इसहाक खान की सरबराही में एमरजेंसी कौंसिल का पहला इजलास हुआ तो निगरान सेटअप लाने पर बात हुई। गवर्नर सिंह जनरल रहीमुद्दीन खान निगरान वजीर आला की तैनाती के खिलाफ थे। चुनाचे जब अख्तर अली जी काजी को निगरान वजीर आला मुकर्रर किया गया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चंद हफ्तों बाद जब निगरान वजीर आजम तैनात करने की बात हुई तो सदर गुलाम इसहाक खान ने भी अपने अख्तियारात में किसी को शरीक करने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें जो स्टेटस को मिला है वो उसे वैसे ही बरकरार रखेंगे। यानी जनरल जियाउल हक की वफात से पहले वजीर आजम नहीं था तो अब भी निगरान वजीर आजम की कोई जरूरत नहीं। एडमिरल इफ्तखार अहमद सरोही अपनी खुदनवीस ट्रुथ नेवर रिटायर्स के सफर नंबर 344 पर लिखते हैं कि मैं अपनी अहलिया के हमरा बेगम जियाउल हक से ताजियत करने गया तो जनरल असलम बेग मिर्जा भी अपनी अहलिया के हमरा वहां मौजूद थे। जनरल असलम बेग मिर्जा ने बेगम जियाउल हक को यकीन दहानी करवाई कि पीपल्स पार्टी और बेनजीर भुट्टो को किसी सूरत बरसर इकतदार नहीं आने दिया जाएगा और इस घर को जनरल जियाउल हक की यादगार के तौर पर बरकरार रखा जाएगा। मुझे अंदाजा हुआ कि सियासी अमल से मुतालिक आर्मी चीफ जनरल असलम बेग मिर्जा और एयर चीफ मार्शल हकीमुल्ला दुरानी का नुक्ता नजर किस कदर मुख्तलिफ है। एयर चीफ मार्शल किसी के रास्ते में रुकावट डाले बगैर सबको बराबरी की सतह पर मौका देने की बात करके पीपल्स पार्टी के पलड़े में वजन डाल रहे और आर्मी चीफ उसे निकाल बाहर करने की बात कर रहे। आर्मी चीफ जनरल असलम बेग मिर्जा ने 11 सितंबर 1988 को ऐवान सदर में सदर गुलाम इसहाक खान से होने वाली मुलाकात में भी वाज़ह कर दिया कि उन्हें या फौज को बेनजीर भुट्टो और मोहम्मद खान जुनेजो काबिल कबूल नहीं होंगे। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए IJI यानी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया। इन सब हथकंडों के बावजूद बेनजीर भुट्टो इलेक्शन जीतने में कामयाब रहीं तो आर्मी चीफ जनरल असलम बेग मिर्जा जो अब बादशाहगर बन चुके थे, उन्होंने बेनजीर भुट्टो से मुलाकात की और 5 शराइत पर इक्तदार उनके हवाले करने की पेशकश की। पहली शर्त ये थी कि अफगान पॉलिसी को तब्दील नहीं किया जाएगा। दूसरी शर्त ये थी कि न्यूक्लियर पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। तीसरी शर्त यह रखी गई कि डिफेंस पॉलिसी नहीं बदलेगी। चौथी शर्त यह थी कि सिविल सर्विस के इंतजामी ढांचे में मुदाखलत नहीं की जाएगी और पांचवी शर्त यह थी कि जनरल जियाउल हक के खानदान को हिरासत नहीं किया जाएगा। बेनजीर भुट्टो ने 2 दिसंबर 1988 को मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम के तौर पर हलफ उठा लिया। तय पाने वाली शराइत के मुताबिक साहबजादा याकूब को वजीर खारजा जबकि कर्नल सरवर चीमा को वजीर मुमलिकत बराए दिफा मुकर्र किया गया। 12 दिसंबर 1988 को सदारती इलेक्शन हुआ तो गुलाम इसहाक खान पीपल्स पार्टी और IJI के मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर 348 वोट लेकर सदर मुंतखब हो गए, जबकि उनके मुखालिफ उम्मीदवार नवाबजादा नसरुल्ला खान ने 91 वोट हासिल किए। एडमिरल इफ्तखार सरोही इस बात पर भी शिकवा करते हैं कि इंतकाल इक्तदार के बाद जनरल असलम बेग मिर्जा ने खुद को मसीहा और नजात दहिंदा के तौर पर यूं पेश किया जैसे उन्होंने तन तनहा मुल्क को बचा लिया और इस सारे अमल में नेवल चीफ या एयर चीफ का कोई किरदार नहीं। अभी बेनजीर भुट्टो को वजीर आजम बने चंद माह ही हुए थे कि आर्मी चीफ जनरल असलम बेग मिर्जा ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ एडमिरल इफ्तखार अहमद सरोही को खबरदार किया कि हुकूमत तुम्हें फारिग करके मुझे तुम्हारी जगह तैनात करके खुड्डे लाइन लगाना चाहती है
और मेजर जनरल इम्तियाज को आर्मी चीफ लगाने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। बाद आर्मी चीफ जनरल असलम बेग मिर्जा से तो मामला तय पा गया, मगर एडमिरल इफ्तखार सरोही को घर भेजने का कानूनी रास्ता ढूंढने की कोशिशें जारी रही। हर तरफ यही खबरें जेरे गर्दिश थीं कि चेयरमैन जॉइंट चीफ एडमिरल इफ्तखार अहमद सरोही को फारिग किया जा रहा है। इस दौरान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जनरल हमीद गुल को हटाकर रिटायर्ड जनरल शमसुर रहमान कल्लू को DGISI तैनात कर दिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती के लिए वजारत दिफा ने 3 नामों पर मुश्तमिल समरी वजीर आजम को अरसाल कर दी और फिर खबर छप गई कि एडमिरल इफ्तखार सरोही 14 अगस्त 1989 को 4-स्टार जनरल के रैंक में 3 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद सुबकदोश हो जाएंगे। सदर गुलाम इसहाक खान ने इस खबर की तरदीद करने को कहा, लेकिन जब वजीर आजम हाउस से तरदीद जारी ना की गई तो ऐवान सदर से वजाहती बयान आ गया कि एडमिरल इफ्तखार अहमद सरोही कहीं नहीं जा रहे। आर्मी चीफ असलम बेग मिर्जा समेत फौजी क्यादत ने ऐवान सदर में गुलाम इसहाक खान से मुलाकात की और तय पाया कि आर्मी चीफ जनरल असलम बेग मिर्जा वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो को यह पैगाम पहुंचाए कि अगर एडमिरल इफ्तखार सरोही के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई की गई तो नतायज की तमाम तर जिम्मेदारी वजीर आजम पर आयद होगी। आर्मी चीफ जनरल असलम बेग मिर्जा ने ऐवान सदर से वजीर मुमलिकत बराए दिफा कर्नल सरवर चीमा को टेलीफोन करके ये पैगाम दिया और बताया कि वो सदर मुमलिकत चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और तमाम सर्विसेज चीफ्स की मौजूदगी में बात कर रहे हैं। वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो ने आर्मी चीफ जनरल असलम बेग मिर्जा को मुलाकात के लिए बुलाया तो वो एयर चीफ और नेवल चीफ को भी साथ ले गए और बिल मुशाफा मुलाकात के दौरान वही पैगाम दोहराया कि अगर एडमिरल सरोही के खिलाफ किसी किस्म का एक्शन लिया गया तो नतायज की तमाम तर जिम्मेदारी आप पर हो। 14 अगस्त को योम आजादी के मौका पर एडमिरल इफ्तखार सरोही हस्बे मामूल पार्लियामेंट में पाकिस्तानी परचम लहराने की तकरीब में शरीक हुए तो PTV के मायनास कमेंटेटर लईक अहमद ने उन्हें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी या एडमिरल कहकर मुखातिब करने के बजाय महज मिस्टर सरोही कहकर बुलाया और ये तासुर देने की कोशिश की कि जैसे वो रिटायर हो चुके हैं, मगर मुंतखब वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो उन्हें ना हटा सके और एडमिरल इफ्तखार अहमद सरोही सदर गुलाम इसहाक खान की ख्वाहिश के मुताबिक अगले साल मुद्दत मुकम्मल करने के बाद ही रिटायर हुए। एडमिरल इफ्तखार अहमद सरोही की खुदनविश ट्रुथ नेवर रिटायर्स जो 500 से जायद सफात पर मुश्तमिल है, इसे जंग पब्लिशर्स ने शाय किया है। अगरचे इस किताब में कई अहम और तारीखी वाकयात से पर्दा उठाया गया मगर इसमें कुछ तिशनगी बाकी है। एडमिरल इफ्तखार सरोही जिन्होंने 1965 और 1971 की जंगों में हिस्सा लिया, उन्होंने ऑपरेशन द्वारका और PNS गाजी की गरगाबी का महज सरसरी सा जिक्र किया है, हालांकि पाकिस्तान नेवी के इन कारनामों को उजागर किया जाना चाहिए। किताब कहानी का सिलसिला जारी है, किसी और किताब के रिव्यू के साथ जल्द मुलाकात होगी। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं या फिर कोई तजवीज तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 0332-8410-537 दस्तयाब है। अपना फीडबैक दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी दबाएं और देखते रहें हमारा चैनल तराजू।